पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण राज्य मंत्री वीरेंद्र कश्यप ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई बिंदुओं पर जानकारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एबीसी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बच्चों को छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से कोष में 8.5 करोड़ की बढ़त की गई है। साथ ही शादी अनुदान के लिए भी पैसा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लगातार दिव्यांगजनों को बढ़ावा देने का है। दिव्यांग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी का शहर आना हुआ, यहाँ पर आकर फर्स्ट सर्किट हाउस उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सर, आज की बैठक का क्या निर्णय निकला? क्या मेरे पास स्वतंत्र प्रभार के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि दोनों विभागों के लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के लाभ पहुंचे, बिना किसी भ्रष्टाचार के लाभ पहुंचे, समय से धरातल पे लोग लाभान्वित हों। तो आज उसी क्रम में कानपुर मंडल के डिप्टी डायरेक्टर्स और सभी जनपदीय अधिकारियों के साथ दोनों विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। निर्देशित किया है कि पिछले वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति दिलाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में लगभग 850 करोड़ के बजट की वृद्धि करते हुए प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की है। शादी अनुदान के रूप में 150 करोड़ की धनराशि पिछड़े वर्ग कल्याण के अंतर्गत खर्च की जा रही है। ट्रिपल सी ओलेविल के माध्यम से पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार से जोड़ने का काम है। इन सब कामों की समीक्षा हुई है। दिव्यांगजनों को पेंशन समय से मिले, शादी पुरस्कार अनुदान समय से मिले, दुकान संचालन दुकान निर्माण करने का सौभाग्य मिले, तो सभी योजनाओं की समीक्षा हुई है। संतोष की बात है कि हमारे सभी अधिकारी सभी मंडल जनपदों में जिम्मेदारी से अपने काम को निभा रहे हैं। आशा है कि प्रदेश के सभी लाभार्थियों को हम समय से लाभान्वित करके सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। सर, आयुष्मान को लेकर सरकार का भी ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रही है, तो क्या इसके लिए कुछ आयुष्मान योजना विश्व में हमारे देश में सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखकर प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया है। सूचना मिली कि कानपुर में आयुष्मान कार्ड के निर्माण का काम कुछ कम हुआ है। कारण क्या देखने की बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड का लाभ लोगों को मिले। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लाभ से उनको लाभान्वित किया जाएगा, और उसके बाद भी कोई लोग बचते हैं तो मुख्यमंत्री को उसका प्रयोग करते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी, पिछड़ा वर्ग एवं स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की, काफ़ी ज़्यादा समीक्षा की, अधिकारियों के साथ समीक्षा की और काफ़ी ज़्यादा कई निर्देश दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से आयुष्मान योजना आदि को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कार्य इसको लेकर हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी आदेश दिए गए और जल्द ही जो निर्धारित लक्ष्य है आयुष्मान योजना का वो कानपुर में भी पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज़ कानपुर।